अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सोशल मीडिया अफवाह से सावधान रहिए। DLED या BEd छात्रों में कन्फ्यूजन है, और आपको दोस्त इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि DLED 2021 में सरकारी कॉलेज की मेरिट कितनी जा सकती है। जनरल EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप। देखिए एक बात याद रखिएगा, हर एक कैटेगरी की दोस्त जो मेरिट है वो अलग अलग जाती है। अगर आप EWS के तहत आएंगे तो आपकी मेरिट अलग होगी, OBC के अलग, SC के अलग। और देखिए एक और बात, कॉलेज की फीस कितनी है उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, दिक्कत यहाँ पर ये कि फाइनल ईयर के छात्र कैसे कर पाएंगे आवेदन, और DLED में आवेदन करने वाले छात्र ध्यान भी दें और आवेदन की अंतिम तारीख को भी देखेंगे। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि क्या तारीख बढ़ सकती है, इस पर भी बातें होंगी। और दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है, BEd में इस साल बम्पर छात्र प्रवेश की लाइन में। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको लास्ट डेट बता देते हैं। अगर आप लोग दोस्तों DLED में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है दोस्तों 10 अगस्त 2021। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त के बाद आप लोग DLED में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे DLED के लिए। और एक बात और जरा ध्यान रखना है, 10 अगस्त का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि भैया 10 तारीख को आप रात के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, इस भ्रम में मत रहिएगा। और देखिए इसकी जो भैया लास्ट डेट में, मतलब आपको शाम के 6 बजे तक दोस्तों आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, इस बात का जरा आपको ध्यान में रखना है, काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 10 तारीख को भी दोस्तों आप रात के 12 बजे तक नहीं, शाम के 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था हमारे पास कि सर जी हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, हम क्या करें। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर दो विकल्प हो सकता है, या तो यहाँ पर तारीख बढ़ा दी जाए। अगर तारीख नहीं बढ़ती है तो दोस्तों लाखों छात्र आवेदन से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप DLED में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, पहले जब हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट वन है वहीं पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है। जी हाँ दोस्तों देखिए, आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों पासिंग ईयर, अगर आप इस साल पास हो रहे हैं 2021 में तो 2021। मार्कशीट नंबर दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल सा N/A कर दीजिए, नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर कितने नंबर का दोस्तों आपका पेपर हुआ, कितने नंबर आपने पाया, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस बात को जरा समझिए आप लोग कि गाइस बिना रिजल्ट के तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑनलाइन आवेदन की तारीख को 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाए तो DLED में भी लाखों छात्र आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो डिसीजन होगा भैया वो PNP लेगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लेना है। अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ती तो लाखों छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। और देखिए दोस्त, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज या DLED के गवर्नमेंट कॉलेज को ही झटका लगेगा। जब सीटें नहीं भरेंगी तो भाई नुकसान तो कॉलेज का ही होना है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों आपको BEd का भी बता देते हैं। BEd का हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम था वो 6 तारीख को हो चुका है। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा दोस्तों जो होगी वो 27 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 27 से पहले भी आ सकता है क्योंकि ये संभावित तिथि है। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की तिथि दोस्तों 1 सितंबर है। शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि है 6 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, मतलब 6 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन काउंसलिंग 1 तारीख से होगी, ठीक है। ये BEd का पूरा मैटर हमने बता दिया, अगर आपने पेपर दिया होगा तो। जरा दोस्तों एक और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं कि BEd में दोस्तों किस लिए रुझान बढ़ गया। देखिए इसको जरा यहाँ पर देखिए, BTC 17, 19, 20 और 20-21 में प्रवेश नहीं हो पाना। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का ये है, पिछले साल DLED 2020 के लिए कोई आवेदन नहीं हुआ। DLED का जो लास्ट बैच था वो हमारा 2019 बैच था, और उसके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट बैच आ रहा है वो 2021, जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद जरा देखिए, इस वर्ष BTC में अब तक कुल सीटों के 1/4 आवेदन। जी हाँ दोस्तों, मतलब आवेदन ही इतने कम हो पा रहे हैं, और आपको पता है कि काफ़ी बच्चे आवेदन करके एडमिशन नहीं लेते, तो DLED कॉलेज को जबरदस्त झटका लगेगा अगर फाइनल ईयर छात्रों को मौका नहीं मिला। उसके बाद देखिए, BEd और BTC की फीस और समय में कोई अंतर नहीं है। देखिए 2 साल का दोनों कोर्स हैं, इसलिए भाई BEd करने के लिए छात्र भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, अंतिम वर्ष के छात्रों को BEd एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की छूट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इसी पॉइंट की वजह से दोस्तों BEd में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन कर दिया। और देखिए एक और अपडेट, आने वाले समय में सिर्फ 4 साल का BEd होने का भ्रम है।
ठीक है, इस वजह से दोस्तों बीएड में ज्यादा आवेदन हो रहा है, इसको आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए डीएलएड का क्रेज कभी घटा नहीं है गाइस, जितने आवेदन अभी तक डीएलएड में हुए हैं उन बच्चों ने आवेदन किया जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ उस बच्चे भ्रम में कि क्या करें, अगर दोस्तों आपके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है तो आप जाकर वहां बात कर सकते हैं। देखिए बिना आवेदन के गाइस आपका एडमिशन नहीं हो सकता, एक बात पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पर यह समझना है कि बीएड में भी उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिन बच्चों ने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। अगर आपने दोस्तों बीएड का एंट्रेंस एग्जाम छोड़ दिया होगा तब आपका दाखिला नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है बावजूद आपके भैया सिर्फ एक नंबर दो नंबर पाया बीएड एंट्रेंस एग्जाम पे, तब भी प्राइवेट कॉलेज वाले चाहेंगे तो आपका एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। तो पूरी अपडेट वगैरह हम आपके सामने रखते हैं। बीटीसी के दो सत्र शून्य होने एवं प्रदेश में प्राइमरी से माध्यमिक स्तर तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के असर बीएड पर पड़ा है। प्रदेश भर में 200 साल 2020 की तुलना में करीब 2 लाख अधिक छात्र बीएड में शामिल हुए हैं। मेरठ में भी 200 छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। सत्र 2021 और 23 में मतलब कॉलेजों को एक दशक बाद सर्वाधिक छात्र प्रवेश के लिए मिलने जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 40,000 से अधिक सीटें हैं, इतने बढ़ गए छात्र 2021। दोस्तों देखिए प्रदेश भर में शुक्रवार को हुए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 5,20,000 स्टूडेंट शामिल हुए, रजिस्ट्रेशन की संख्या 6 लाख के पार थी। तो गाइस देखिए काफी बच्चों ने भैया पेपर भी छोड़ा है। देखिए 3.5 लाख 2020 का जो पेपर हुआ था बीएड का एंट्रेंस, तब 3.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे। रजिस्ट्रेशन की संख्या 4 लाख से ऊपर थी पिछली बार काउंसलिंग के बाद और कम हो गए प्रवेश लेने वाले। लेकिन एक बात और आपको दोस्तों बता दें, पिछले साल बीएड में सीटें खाली भी रह गई थी। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देकर कॉलेज नहीं लेते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो के अंत में कुछ और जरूरी बातें पहले करते हैं। देखिए आपके मन में एक सवाल होगा डीएलएड करें या बीएड करें, ठीक है, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो इसको हम दूर करते हैं। देखिए दोस्तों बीएड में छात्रों के आवेदन इस साल इसलिए बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर फाइनल ईयर छात्रों को मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे अपीयरिंग थे उनको बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में मौका दे दिया गया, लेकिन डीएलएड में दोस्तों उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जिन बच्चों का भैया फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों का मतलब रिजल्ट आ चुका है। तो अगर डेट बढ़ गई तो बच्चे आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो फिर इस बार डीएलएड में आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। सरकारी कॉलेज की कितनी जा सकती है मेरिट? देखिए दोस्तों जिस हिसाब से अभी आवेदन हुए हैं छात्रों की संख्या बेहद कम है क्योंकि अधिकांश वो बच्चे हैं जिन्होंने 2020 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मेरिट कितनी जा सकती है, देखिए जनरल कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जहाँ पर ओबीसी का छात्र भी जनरल में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकता है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप ओवरलैप के थ्रू जनरल में आपको सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन ओबीसी आरक्षित वर्ग है तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा ओबीसी में सीट नहीं ले सकता। तो गाइस देखिए जो जनरल की मेरिट होगी वो सबसे हाई जा सकती है जो कि कम से कम नहीं तो 235 प्लस जाएगी, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जी हाँ दोस्तों इन बच्चों की भी मेरिट इसी के आसपास होने वाली 235 के आसपास, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, एससी में दोस्तों मेरिट डाउन जाएगी 220 तक जा सकती है, एसटी में 210 प्लस मेरिट जा सकती है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर दोस्तों 200 प्लस में भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कॉलेज की फीस कितनी? देखिए दोस्तों सरकारी कॉलेज की फीस डीएलएड में एक साल की 10,200 रुपये होती है और सरकारी कॉलेज का तो ये हो गया, प्राइवेट कॉलेज की फीस डीएलएड में एक साल की 41,000 होती है। प्राइवेट कॉलेज वाले आपको अलग अग तरह से और भी पैसा आपसे लिया जाएगा, 41,000 में काम नहीं चलता क्योंकि एग्जामिनेशन फीस अलग से, प्रैक्टिकल फीस अलग से, इंटर्नशिप फीस अलग से, तो अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया जाता। तो इसीलिए गाइस अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले एक बार आप कॉलेज से संपर्क करिएगा, पूरा उनका फीस वाला मैटर समझ लीजिएगा। कुछ ऐसे कॉलेज वाले होते हैं जहाँ पर आपको भैया ड्रेस के नाम पर लूटा जाएगा, 200 रुपये का आपको कपड़ा देकर 10,000 रुपये आपसे वसूल लिया जाता है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से पहले बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर के छात्र कैसे कर पाएंगे आवेदन? तो गाइस आपको मौका तो वैसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एक बार प्राइवेट कॉलेज से बात कर लीजिएगा, अगर आपके घर के पास में कोई है, अगर वो कहते हैं तो करिएगा, नहीं तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हाँ एक काम दोस्तों लेकिन सभी बच्चों को करना है, अगर आप लोग फाइनल ईयर के छात्र हैं आवेदन करना चाहते हैं तो गाइस जो ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट वन है ना, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री में होता है, यहाँ पर आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। तो गाइस आप इसको भर सकते हैं अपना नाम वाम, नाम पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब। ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है तो आप लोग कुछ भी मतलब जो सेकंड सेमेस्टर का ईयर का रिजल्ट होगा उसी को दोस्तों बढ़ाकर थर्ड का भी जोड़ जाड़ कर लिख दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है।
इन केस अगर डेट नहीं बढ़ती तब भी गाइस आप कम से कम आवेदन के पात्र हो जाएंगे, नहीं तो दोस्तों होगा क्या ना कि डेट अगर नहीं बढ़ी तो फिर आपका छूट जाएगा। अगर दोस्तों देखिए, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन का जो पहला पार्ट है इसकी अंतिम तारीख 10 तारीख है, लेकिन जो फीस पेमेंट का दोस्तों दूसरा पार्ट है इसकी अंतिम तारीख 11 तारीख है। तो अगर दोस्तों 10 तारीख से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका ये फायदा होगा। 10 तारीख को भी दोस्तों रात के 12 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, शाम को 6 बजे से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन के पात्र नहीं होंगे। फाइनल दोस्तों जो सबमिशन होता है वो 12 तारीख तक इसकी डेट दी गई है, इसीलिए दोस्तों हम आपको पहले से अवेयर कर दे रहे हैं। अगर जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री में होता है ठीक है, बाकी दोस्तों दोबारा भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खाली आपका क्या चेंज होगा देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्तों आप दूसरी डाल देंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन करते समय, बस बाकी सब कुछ सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मैटर आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये बीएड वाला मैटर है, 27 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलता है। देखिए बीएड में क्या हुआ इस बार, साल्वर गैंग पकड़े गए। आपको सोचिए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों ने 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय डीएलएड और बीएड का क्रेज कितना ज्यादा है। ठीक है, बाकी सिर्फ क्रेज सरकारी कॉलेज का है, प्राइवेट कॉलेज का कुछ नहीं है। तो गाइस अगर आपका मन है डीएलएड करने को तो आप कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, कुछ बच्चे भैया ये कहते हैं कि डीएलएड या बीएड करके नौकरी नहीं मिलती। गाइस देखिए, वैसे दोस्तों जो बच्चे बीटेक कर चुके ना, अगर आप उनसे पूछेंगे कभी यार बीटेक हम कर ले, तो हमेशा आपको मना करेंगे, लेकिन अगर आपका मन है बीटेक करने का तो आप करेंगे ही ना। तो वैसे दोस्तों डीएलएड और बीएड का होता है, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप इन दोनों को कोर्स करके आगे नौकरी पा सकते हैं। आप बीएड करने का फायदा आपको बता देते हैं, अगर आप बीएड करेंगे तो आपको टीजीटी बीईओ और कुछ बड़ी वैकेंसियों में आपको मौका मिलता है, लेकिन अगर आप दोस्तों डीएलएड का कोर्स करेंगे तो आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती और 6 से 8 जूनियर भर्ती में आपको मौका मिलेगा, और उसके ऊपर मौका बीएड के छात्रों को मिलता है। मतलब बीएड में सब कुछ है, लेकिन दोस्तों एक बात और, वीडियो के अंत में, डीएलएड के छात्र वरीयता की मांग या प्राथमिकता की मांग कर रहे हैं काफी दिन से, जिस दिन दोस्तों मुहर लग गई, क्योंकि दोस्तों जो बीएड को एंट्री दी गई थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इसलिए दी गई थी तब डीएलएड छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन अब डीएलएड में बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में डीएलएड छात्रों को वरीयता दे दी जाए। जिस दिन वरीयता दोस्तों मिल गई उस दिन फिर से वही हाल होगा जैसे कि आज डीएलएड का, मतलब डीएलएड में एडमिशन कम हो रहे, फिर वही होगा कि बीएड में एडमिशन कम होंगे। बीएड में एडमिशन उसी दिन बढ़े दोस्तों जिस दिन बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ कर दिया गया। ठीक है, ये मैटर है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कमेंट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा, उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल आप फाइनल ईयर छात्र हो ठीक है, तो कम से कम पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।